अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के लिए न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके ऊपर मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के हवाले से तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानब से पब्लिश होने वाला एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अनाउंस होने वाली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोर्स डिवीजन हैदराबाद के ऑफिस के लिए है। अनाउंस होने वाली वैकेंसी में सबसे पहले वैकेंसी है दरोगा की, इसका ग्रेड है BPS 4, एक वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी है स्टोरमैन की, ग्रेड है BPS 1, तीन वैकेंसी है। चौकीदार की वैकेंसी है, ग्रेड है BPS 1, एक वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट 18 से 28 साल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे तो आप उसको टाइप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी तमाम डिटेल्स होने चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके वालिद का नाम, आपकी तालीमी काबिलियत, इन तमाम चीज़ों के साथ आपने अपने करंट पासपोर्ट साइज तस्वीर, आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज जो कि 17 ग्रेड के अफसर से अटैच हों, तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड, आपके तालीमी सर्टिफिकेट्स, आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल यानी कि सिर्फ हैदराबाद का डोमिसाइल, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि सिर्फ हैदराबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का डोमिसाइल PRC, इन तमाम चीज़ों को आपने जो है टेस्ट करवाना है और अपने फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने भेजनी है। 30 दिन का मतलब ये है कि 28 दिसंबर को ये एडवर्टाइज पब्लिश हुआ था, 27 जनवरी 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। कहाँ जानी है ये भी आगे आपको मैं बता दूंगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम इन्वेलप के ऊपर ज़रूर लिखिएगा, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट रख के भेजेंगे। मिसाल के तौर पर आप दरोगा के लिए कर रहे हैं, स्टोरमैन के लिए कर रहे हैं, चौकीदार के लिए कर रहे हैं, तो आपने लिफाफे के ऊपर लाजमी लिखना है। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई किसी भी हवाले से तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा, या लास्ट डेट के बाद आई तब भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड लोगों को कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए टेस्ट इसमें कोई नहीं होंगे, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसके अंदर अपॉइंट हो जाएंगे। इंटरव्यू वाले दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। तमाम वैकेंसीज के ऊपर 15 साल रियायत है गवर्नमेंट की जानब से, यानी कि 28 के ऊपर आप 15 साल और लगा लें तो 43 साल तक के मर्द हजरात इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आपको इंटरव्यू के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पे खुद आना होगा। ये जो आपके सामने एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोर्स डिवीजन नियर बुरहानी सेंटर सदर हैदराबाद, इस एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। ये फोन नंबर ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध की जानब से हैदराबाद डिवीजन की अनाउंस होने वाली जॉब्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।